देखिए यही जो पीछे है इसी जगह पे फांसी दिया जाता था, ये पीछे जो है आप देख रहे हैं, और मेरे सामने कई कैदी को स्टैचू बनाया गया है जो उधर से देखा करते थे। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। She a hundred, gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage, and shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper, I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby, I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn a summer into a cold December. Cruise on the high road, dodging the potholes, tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. Welcome back to my channel, dosto. Aaj hum log aa chuke hain Alipur Museum ya Jain Museum jo bole. ये सन 1906 में बना था, 116 साल पुराना ये जेल है जो कि अभी म्यूज़ियम बन चुका है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है, और इधर तक आने के लिए आपको कैसे आना है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए अंदर चलते हैं। तो इधर है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट कटाना पड़ेगा। यहाँ पर कैश एंड ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कितना रुपये टिकट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आने के बाद 30 रुपये का टिकट लेता है, पार्किंग भी इधर, कार बाइक, ठीक है, इधर अब कार बाइक बस जो भी आए सबके लिए फेयर है। आई थिंक बाइक के लिए 10 रुपीज़ पर आवर है, कार के लिए 20 रुपीज़ और बस के लिए शायद 30 रुपीज़ पर आवर ऐसे कुछ है। इधर ये पार्किंग लॉट आप देख पा रहे हैं, ये पार्किंग लॉट है, और यहाँ पे ये टिकट काउंटर से मैंने टिकट लिया। अब चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या है। तो एंट्री गेट कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, आज जब इन करेंगे तो पहले आपका टिकट चेक तो होगा ही, जैसे मेरा हुआ। तो आप जैसे इन करेंगे तो ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं गेट, ये कुछ स्टोर्स खुले हुए हैं, यहाँ पर आके आप कुछ शॉपिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा मन नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा सजा हुआ है इधर, तो जैसे आप इन करते हैं तो आपको कुछ नज़ारा ऐसा देखने को मिलने वाला है। तो इस मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसे यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए अगर आपको करने का मन हो तो कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्लोगन्स हैं, और इधर जो है आपका कॉफ़ी हाउस है, अगर आपको कुछ कॉफ़ी पीना हो या स्नैक्स खाना हो आप जाके आराम से खा पी सकते हैं। और ये डोर जो मुझे लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर कोई जेलर या कोई हवलदार वल्दार जो देखभाल करता होगा तो उनके लिए ये बना होगा, मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ठीक से। तो इधर भी कोई जेलर रहते होंगे बड़े पोस्ट पे जो होंगे, तो इसमें तो सारा ताला लगा हुआ है तो इसमें हम लोग जा नहीं सकें। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ से हम लोग का एंट्री है। तो दो तरफ रास्ता है दोस्तों, हम लोग को पता करना है कौन सा किधर से शुरुआत है, तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ पहले, जानते हैं। लेकिन नहीं, तो भाई साहब ने बताया कि इधर से हम लोग नहीं जा सकते हैं, एंट्री इधर से है, मतलब स्टार्ट इधर से आपको करना है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आपको उधर क्या क्या मिलने वाला है, तो इसको एक बार मैं अच्छे से देख लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो इधर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, पहले आपको इधर से स्टार्ट करना है। तो इधर कुछ मैप्स लगे हुए हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने भी थोड़ा देख लिया तो किधर क्या होने वाला है, तो यहाँ से एक ब्रीफ आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सब जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप गेट देख रहे हैं, ये भी बंद पड़ा हुआ है, इसमें भी काम होना बाकी है, क्योंकि ये तो 116 साल पुराना जेल है जो कि अभी म्यूज़ियम में कन्वर्ट हुआ है। और इधर कुछ है, यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करना चाहे तो कर सकते हैं, अभी भी बहुत काम बाकी है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये सब गेट दोस्तों बंद पड़ा हुआ है, अभी इधर जाना अलाउ नहीं था, तो उधर जा भी नहीं सके। तो आगे देखते हैं और क्या क्या हम लोग को मिलता है। तो मैं संडे के दिन आया हूँ दोस्तों, बहुत क्राउडेड प्लेस हो चुका है ये अभी, ये हालांकि अभी लास्ट ईयर ही खुला है,
सितंबर या अक्टूबर में आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ। तो इधर हम लोग को ये सब मिलने वाला, देख रहे हैं गहलोत मिलने वाला, नेहरू सेल मिलने वाला, नेताजी सेल मिलने वाला है, चितरंजन दास सेल, विधान चंद्र रॉय सेल, तो इधर ये सब सेल मिलेगा हम लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। इधर हम लोग देखेंगे कहाँ पे फांसी दिया जाता था, कैसे दिया जाता था, वो भी हम लोग देखेंगे, मतलब किस प्लेस पे दिया जाता था और किस तरह का वो ढांचा या स्ट्रक्चर रहता था। तो इधर हम लोग अभी देखने वाले हैं नेहरू सेल, विधान चंद्र रॉय सेल, चितरंजन दास सेल और जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता सेल का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही, मैं बोलना चाहूंगा, बहुत ही साफ सुथरा रखा गया इस प्लेस को। तो दोस्तों ये ऐसा कुछ दिखता होगा उस टाइम पे, तो आप देख सकते हैं जो अभी अभी कभी अभी तक वो आयरन वैसा का वैसा ही है, देख रहे हैं बहुत लो मोटा, मैंने इसको टच करके मैंने देखा बहुत मोटा था ये रॉड। तो यहाँ पे ये लॉक ऐसे कर सकते, इधर ऐसे होगा लॉक उस समय, यहाँ चलो खोलो, इधर से लॉक करते होंगे। तो देख सकते हैं वहाँ पे एक शायद कुछ था यहाँ पे स्टोन टाइप का, उसको कवर करके रखा है, मुझे पता नहीं था ये क्या है, पता नहीं है मुझे ये क्या है, वहाँ पे कोई था भी नहीं बताने वाला। तो इधर ये ऐसा कुछ सेल आप देख रहे हैं, कितना कैसा सेल यहाँ पे जो है, ये आप देख रहे हैं ये बीसी रॉय सेल है, बिपिन चंद्र रॉय सेल है, ये यहाँ पे उनको रखा गया था और यहाँ पे है कब से कब तक थे वो, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। तो देख सकते हैं एक छोटा सा कमरा में, तब का आप सोचिए इसको, मतलब अगर वहाँ पे आप रहते ना, अगर यहाँ पे आप आइएगा तो वैसा एक फील आएगा। तो इसके अंदर कुछ देखते हैं कैसा, कितना देख रहे हैं कितना छोटा रूम है ये, छोटे से रूम में यहीं पे बाथरूम बना हुआ है, यहाँ पे सब एक बेड बना हुआ है, तो ऐसा रूम होता होगा मतलब जेल, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस टाइम पे अगर आप सोचे तो। तो ये प्लेस को अभी थोड़ा मतलब सजाया गया है, पता नहीं उस टाइम पे कैसा था, लेकिन आप थोड़ा इमेजिन करिए दोस्तों कि कैसा होता होगा उस टाइम पे। ऊपर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है, ऊपर जाना है, वहां पे अभी बंद था, अभी उधर काम चल रहा है तो उधर जा नहीं सके, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ऊपर में एक स्टैचू बना हुआ है जो कि इधर गार्डन की तरफ देखा जा देख रहे हैं, तो अगर आप देख सक रहे हो तो आप देखिए स्टैचू ऊपर में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं जहाँ पे फांसी दिया जाता था वो वाला देखते हैं। आप देखिए दोस्तों ये रहा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रहा स्टैचू, इधर ऐसे देखते होंगे उस टाइम पे, एक विजन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं जहाँ पे फांसी दिया जाता था, तो उस जगह पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए तो दोस्तों यही है वो जगह जहाँ पे कैदियों को फांसी दिया जाता था। मैं जब इन कर रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं दोस्तों, सही में एक अलग सा फीलिंग आ रहा है जब मैं इधर इन कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं उस जगह को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस जगह पे कैदियों को लाके फांसी दिया जाता था, और मैं अपना फीलिंग आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो मैं स्पीचलेस हूँ दोस्तों इस जगह पे आके, आप जब आइएगा आप भी पूरा ब्लैंक हो जाएंगे इस जगह पे आके। तो इस जगह से दोस्तों आई थिंक लाश को बाहर निकाला जाता होगा, और ये जो रूम है इस रूम पे वो लाश को लाके रखा जाता था और उन लोग को एग्जामिन करके डेट डिक्लेयर किया जाता था यहाँ पे बॉडी को रख के। तो ये रहा वैसा रूम, यहाँ पे बॉडी को सुलाया जाता होगा, यहाँ पे डेट क्लियर या डेट सर्टिफिकेट जो भी बनता होगा उस टाइम पे इधर पे रख के उन लोग को डेट डिक्लेयर करके बनाते होंगे। तो दोस्तों इस जगह पे जब मैं ढुका सही में बहुत अजीब सा फील आ रहा है। देखिए यही जो पीछे है इसी जगह पे फांसी दिया जाता था, ये पीछे जो है आप देख रहे हैं,
और मेरे सामने कई कैदी को स्टैचू बनाया गया है जो उधर से देखा करते थे। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। तो दोस्तों वो देखिए खिड़की पे जो आप देख रहे हैं वो स्टैचू, वो कैदी उधर से जब फांसी दिया जाता होगा तो वैसे ही देखते होंगे उधर से, तो उनको उसी तरह से बनाया गया है कि जब किसी को फांसी देते हो तो वो लोग भी खिड़की पे आके देखते होंगे कि कहीं अगले वो ना हो। तो देखिए देखिए उधर से नज़ारा ऐसा दिखता होगा कि हाँ कोई अब यहाँ पे फांसी दिया जाएगा किसी को। बहुत ही अजीब सा फीलिंग है दोस्तों, मैं शायद शब्दों में बयान ना कर पाऊँ। आप अगर यहाँ पे आए ज़रूर आइए एक बार। ये नेहरू सेल है जिसमें नेहरू जी को रखा गया था, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये नेहरू जी का सेल हुआ करता होगा, उनका स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। तो बताया गया कि इस सेल में नेहरू जी रहते थे, शायद उन्हें 4 या 5 महीने के लिए जेल हुआ था। और भी यहाँ पे सेल्स बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ कॉइन का एक स्ट्रक्चर बना के रखा गया है। और ये जो सेल है ये शायद यहाँ पे बताया गया है कि ये दिनेश चंद्र रॉय जी का सेल हुआ करता था, तो उनका स्टैचू अभी रेडी नहीं हुआ होगा तो इसलिए यहाँ पे रखा नहीं गया है, तो यहाँ पे सिर्फ उनका एक फ्रेम फोटो लगा के बता दिया गया है। दोस्तों उनका सेल कुछ ऐसा दिखता है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। और यहाँ पे रहा वो कब से कब तक थे, यहाँ पे बताया गया है शायद 80 दिन के लिए, हाँ 3 से 4 महीने मैंने बोला, 80 दिन के लिए वो यहाँ पे थे। और तो ये लाइब्रेरी दोस्तों सेमिनार हॉल भी है, तो यहाँ पे आप चाहें तो बैठ के पढ़ सकते हैं बुक लेके। यहाँ पे बैठ पढ़ने के लिए भी जगह बनाया गया, बहुत ही सुंदर बहुत ही शांत जगह है। और यहाँ पे कुछ पोस्टकार्ड्स हैं तो मैं इनको कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। और जो यहाँ का जो एटमोसफियर है दोस्तों बहुत ही शांत है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार। देखिए ये भी कुछ सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ एक ये रहा सेल्फी जोन बना हुआ है दोस्तों, आप यहाँ पे आके सेल्फी खिंचा सकते हैं। मैं कुछ आपको बुक्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप आके चाहे तो पढ़ सकते हैं अगर आपको मन किया तो। ये रहा बुक शेल्फ हैं ये, और यहाँ पे टेबल्स कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, आप आएँ बैठें पढ़ें टाइम स्पेंड करें। ये वॉच टावर है दोस्तों, आई थिंक यहाँ से पूरे जेल की निगरानी रखी जाती होगी क्योंकि मिडिल ऑफ द जेल है। तो इधर दोस्तों हम लोग देखेंगे कॉइन्स जो कि उस टाइम पे प्रचलित थे, जो चलाए जाते थे उस टाइम पे। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा यहाँ पे एंट्री में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये इतने बड़े तो कॉइन नहीं होते थे, बस 100 पीस के लिए बनाया गया इसको, ये नेशनल इंटरनेशनल। तो यहाँ पे कुछ ये रहा जेल्स के फोटोज़ हैं यहाँ पे जो चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ मैप्स बने हुए हैं जो उस टाइम के हैं, कुछ प्रिंट्स, ये रहा कुछ जेल्स के उस टाइम फोटो पहले के ही। इधर स्वामी विवेकानंद जी का फोटोज, और आप देख रहे हैं ये दोस्तों ये रहा कॉइन्स उस टाइम पे जो चलते थे। यहाँ पे माँ दुर्गा, तो आप देखिए दोस्तों ये कॉइन्स सबके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये 5 रुपए का सिक्के का फोटो, फोटो तो नहीं एक इसको ढांचा दिया गया है। ये हाफ रुपए आधा पैसा। इधर देखिए आपको देखने को मिलेगा 1 पैसा 10 पैसा 1 पैसा का, ये सब बना हुआ है दोस्तों। और इधर भी कुछ कुछ है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा।
तीन पैसा का यहाँ पे दिया गया है। अब इस साइड कुछ, इस साइड भी देख लेते हैं इस टाइप क्या है। एग्जीबिशन हॉल है तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए लगाया गया, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए अब धान चावल के बोरे रखे हुए हैं कि अगर उस टाइम पे अगर जब आता होगा तो यहाँ पे आई थिंक स्टोर रूम टाइप का ये होगा जहाँ पे खाने के लिए रखा जाता होगा। यहाँ पे पोस्ट कार्ड्स हैं जो कि किसी फैमिली के थ्रू आए हैं जिसके लिए। तो दोस्तों आप इस इन सब का मजा लीजिए। She a hundred, gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage, and shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper, I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby, I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn a summer into a cold December. Cruise on the high road. तो दोस्तों सामने जो हॉल है जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, उधर कुछ वीडियोग्राफी चल रहा है, मतलब कुछ वीडियो के थ्रू दिखाया जा रहा है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आशा करता हूँ कि उस पर कॉपीराइट ना आ जाए। तो ये रहा उस टाइम का कुछ रिवॉल्वर्स के पीक्स हैं ये सब। तो चलिए देखते हैं, आशा करता हूँ कॉपीराइट ना आए। तो लेसन दोस्तों यहाँ पे कुछ अलीपुर जेल के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे क्या हुआ था, तो आप सुने। विदेश से पढ़ाशुना करे भारत के अरविंद घोष भारत के स्वाधीनता संग्राम के घनिष्ठ भावे जेने बुझे बहु परिकल्पना रचना करे एवं तार भाई अरविंद घोष विप्लव शिखर तीव्र যুবকেরা এখানে শরীর চর্চার অনুশীলন করার জন্য আসত, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর। সেই সময় অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর ভাই বারীন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে সাপ্তাহিক পত্রিকা। अब जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे रूम नंबर 1, 2, 3, और भी कॉफी हाउस है यहाँ पे, कुछ छोटे से रेस्टोरेंट्स भी है वो भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टोर्स भी हैं दोस्तों, अगर आपको कुछ मन करे खरीदने का यहाँ से आप खरीद सकते हैं। कॉफी स्टोर है, देखिए रूम नंबर 102 में यहाँ पे है कॉफ़ी शॉप। यहाँ पे आपको कुछ खरीदने का मन हो तो आप खरीद सकते हैं। क्लोथ्स हैं, अम्ब्रेला भी सेल हो रहा है। आपको कुछ भी अगर यहाँ पे मन करे खरीदने का, अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ से कुछ खरीदना चाहिए, आप ज़रूर खरीदें। यहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। तो मैं यहाँ से सोचा चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, और इधर एक रेस्टोरेंट है, मैं आपको वो दिखाऊंगा 103। और यहाँ पे जो वेटर्स सर्व कर रहे हैं वो भी एक जेलर के कॉस्ट्यूम में है, आप देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं इधर आपको मेन्यू कार्ड दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, कितने प्राइस में मिलने वाला है।
मैं आपको वो दिखा दूँ। अब जो हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ पे एक बीच में एक बड़ा सा गन रखा हुआ, उसको मैं आपको दिखा दूँ। तो ये रहा वो गन, लेकिन इसको चलाना यहाँ पे अलाउ नहीं था, तो मैंने इसको चलाया नहीं, तो मैं ऊपर चलता हूँ। तो ये जो मैं स्टेयर्स पे जा रहा हूँ दोस्तों, चढ़ते वक्त एक अजीब सा एक आवाज़ है, मतलब लग रहा है कि हाँ हेवी आयरन का यूज़ किया गया यहाँ पे, बहुत ही तब का बना हुआ, अभी तक वैसा का वैसा ही है। जब आप इधर आएंगे तो आपको हाँ लगेगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोग को ऊपर मिलने वाला है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इधर है दोस्तों बिगिनिंग ऑफ कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पे आपको रूम नंबर 201 में देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार, ये रूम देखने को है, दिखता है दोस्तों, सॉरी। यहाँ पे स्टैचूज बने हुए हैं स्वामी विवेकानंद का, ये जो हम लोग देखे दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट था और इधर पार्ट थर्ड है, और मेरे राइट हैंड साइड में ये जो है ये सेकंड पार्ट है। तो हम लोग चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट की ओर हम लोग चलते हैं। ये थर्ड पार्ट, होस्ट ऑफ टाइम बेस्ट ऑफ टाइम। चलिए अंदर मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जेल का कॉरिडोर कुछ इस तरह दिखता है। तो सोचिए अगर उस टाइम पे अगर जेलर्स जो होंगे वो इस तरह अगर घूमते होंगे इधर, तो कुछ जैसे इंसान अभी घूम रहे हैं इधर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऐसे ही कैदी घूमते होंगे, देखिए इधर उधर। तो मैं ऐसा ही इमेजिन कर रहा हूँ। तो इधर भी कुछ है, रूम नंबर 204, बंगाल इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो कुछ इस तरह से ये रूम दिखता है दोस्तों। आइए अब रूम नंबर 207 देखते हैं।
तो ये जो आवर ट्रिब्यूट टू वुमेन्स फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बंगाल, तो ये रूम कुछ ऐसा दिखता है। ये बंगाल के कुछ फ्रीडम फाइटर्स रहे, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये अब हम लोग आ चुके हैं वॉच टावर के करीब। मैं आपको वॉच टावर को उस साइड का एरिया भी दिखा रहा था। तो ये जो है, हम लोग वॉच टावर के यहाँ पे आ गए। ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये भी बंद पड़ा हुआ है। इधर जाना तो अलाउ है नहीं, इधर कुछ काम होना बाकी है। मैं आपको दिखा दूँ, तो इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, कहीं पे बैठते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के लिए आपको जो करना है वो, आपको अगर सियालदह के थ्रू आ रहे हैं तो आपको सियालदह से एक कोई भी बेहाला जो जाता है बस उसको पकड़ लें और बोल दें मुझे हाजरा मोर उतरना है। तो वहां से उतर के आप वॉकिंग डिस्टेंस पे 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे, 10 मिनट आई थिंक हार्डली। आप ओवरब्रिज क्रॉस करके आप आ सकते हैं यहाँ पे, और बाय मेट्रो आ रहे हैं तो आप जतिन दास पार्क उतर जाएं, वो सबसे इजी रहेगा आपके लिए। वो कर लें तो ये है। और अगर आपको पर्सनल कार से आना है तो वो तो आप अपना जानते ही हैं रूट। तो ये जो हम मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों, ये एक प्रेयर हॉल है। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो है, ये एक प्रेयर हॉल है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द चैपल्स वॉज इनसाइड द वॉच टावर। यहाँ पे प्रेयर करते थे। यहाँ पे जो यूरोपियन प्रिजनर रहते थे वो यहाँ पे आके प्रेयर्स करते थे। तो कुछ इस तरह का ये प्रेयर हॉल है। और मैं दिखा दूँ इधर जो है दोस्तों, ये अभी बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे काम चल रहा है अभी, जो कि इसको अच्छे तरीके से और बनाया जा रहा है। तो देख लीजिए ये है। चलिए अब इस पार्ट का इधर देखते हैं क्या है उधर। अब दोस्तों इधर जो है, इधर जो मतलब जो प्रिजनर रहते थे यहाँ पे, उनसे काम करवाया जाता है सिलाई का। मतलब उन लोग को यहाँ पे सिलाई के लिए बुलाया जाता था, यहाँ पे रखा जाता था, मतलब उनसे भी काम कराया जाता है। शायद उनके लिए उनको कुछ पैसा मिलता हो, कुछ भी पता नहीं। ये रहा, ये आप देख रहे हैं तत्काल वेविंग रूम। तो चलिए इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हुए पड़े हैं, यहाँ पे आप आके पढ़ें आराम से। मैंने आपको दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें और पढ़ें। तो यहाँ पे कुछ स्टैचू बना हुआ कि बताया जा रहा है कि जेलर ऐसे बोला करते थे, इधर ऐसे काम करो वैसे काम करो। तो ये रहा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे सिलाई मशीन जो है, वेविंग मशीन यहाँ पे रखा गया है। उस टाइम का रखा हुआ, अभी तक वैसा का वैसा ही है। इसको थोड़ा हाँ ठीक कराया गया है, लेकिन आप देखें, ये देखिए कुछ ऐसा दिखता होगा उस टाइम पे। यहाँ पे जो प्रिजनर्स बैठते होंगे, काम कराते होंगे उनका, जो काम नहीं करता हो शायद उनको हंटर भी उस पर चाबुक जो है वो बरसाते होंगे। और ये देखिए, ये रहा औजार उस टाइम पे जो यूज हुआ करता था, अभी भी उसको वैसा का वैसा ही रखा गया है। ये रहा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रहा। और यहाँ पे स्टैचू के थ्रू बताया गया है कैसे वो लोग काम करते थे। तो वहां पे देखिए एक घड़ा भी है पानी पीने के लिए। मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे खाना बनाते थे वो लोग, यहीं पे खाना बनाते थे यहाँ पे वैसा। और यहाँ पे बाथरूम भी करते थे, मैं वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे बाथरूम के लिए भी एरिया बनाया गया, नहाने के लिए भी एरिया बनाया गया। यहाँ पे शायद खाना वाना बनाया जाता होगा। और ये शायद नहाने का स्पेस होगा, यहाँ पे वो लोग नहाते होंगे, यहाँ पे खाना बनाते होंगे।
जलाने के लिए सामग्री, यहाँ पे पानी उनी आई थिंक यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता होगा। और इधर जो है वो लोग, ये रहा वो प्लेस। तो चलिए, मुझे दिखाना था तो मैंने आप लोग को दिखा दिया। तो ये है वो प्लेस, एंजॉय कीजिए दोस्तों। तो जितना हो सका मैंने इस वीडियो को कवर अप किया दोस्तों, मैंने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की। अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय।